अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज जुनैद मशीर एंड यू आर वाचिंग जूनी मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है टाइगर फोर्स का, और टाइगर फोर्स में अप्लाई मैंने किया था और उसमें मैसेज आया, तो उसके बाद अब आगे उसका क्या प्रोसेस है, मीटिंग के अंदर क्या कुछ पूछा जाता है और कहाँ पे जाना होता है, क्या करना होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक मैंने ये ब्लॉग शूट किया है ताकि इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हमें कहाँ तक जाना है, किसके पास जाना है और कैसे मिलना है उनको। तो मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनसे भी जाके आपकी मुलाकात कराऊँगा, लियाकतपुर के अंदर जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और उनसे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हम करेंगे इस हवाले से, टाइगर फोर्स के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सारे जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इन्जॉय करना है। आज रोज़ा भी है और गर्मी है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। चलते हैं फिर। जी गाइस, तो अभी हम निकल रहे हैं हसन की तरफ। हसन मेरा दोस्त है जिसको मैंने लेके साथ में लियाकतपुर जाना है, और वहाँ पे फिर हम आपको मिलाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहें और हम फिर आपसे मिलते हैं बाद में। सफ़र एंजॉय करें।
तो फाइनली गाइज हम हसन की बैठक के बाहर खड़े हैं, अभी हम उसको बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, क्या हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अभी हम हसन की बैठक में हैं, तो अभी मैं आपको मिला देता हूँ। ये है मिस्टर हसन और इनका चैनल है बली टैक के नाम से, तो जाके उसको भी सब्सक्राइब करना है। और अब हम आपको जो है हसन से मिलवाते हैं और वो थोड़ी सी आप लोगों के साथ इस बारे में बात शेयर करेंगे कि हमने कहाँ जाना है और कैसे वहाँ पे जाके हमने मीटिंग अटेंड करनी है, तो फिर उसके बाद हम चलते हैं। हाँ जी हसन, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगी। गाइस आज हमें मैसेज आया है करोना टाइगर की तरफ से, तो हमने वो मैसेज ओपन किया है, तो उस पर जैसे हमने आपको कई दफ़ा वीडियो भी भेज दिया, उसकी डिटेल जो थी मतलब का ऑफिसर का नाम लिखा हुआ था और जो दफ्तर था, तो उसी जगह पे हमें लोकेशन पे बुलाया गया और हम 30 मिनट पहले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, और हम अभी इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 30 मिनट पहले इसलिए पहुंचना है क्योंकि हमें वेट करना है, उनको वेट नहीं करना, क्योंकि वो हमारा वेट नहीं करेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी वहाँ पर पहुँचना है इंशाल्लाह। तो चलिए हम फिर मिलते हैं वहाँ पर।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? टाइगर फोर्स का अभी कितने बजे होना है मीटिंग? करीबन 4:30 बजे। ठीक हो गया सर, ठीक है सर, थैंक यू। प्रोग्राम खत्म होगा एहसास वाला। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब अभी एहसास का चल रहा है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले कर दिया गया। गैदरिंग हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, सही है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा, अभी मैं गया था वहाँ पे, गार्ड बैठे थे और उनसे मैंने बात की है कि मतलब मैंने टाइगर फोर्स में अप्लाई किया था तो मुझे आना है अभी। तो उन्होंने मुझे कहा है कि एसी साहब जो हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि अभी क्योंकि एहसास इमरजेंसी कैच वालों का, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि उसका काम भी चल रहा है साथ साथ, तो उसके पैसे मिल रहे हैं अभी। और उसके जैसे ही पैसे मिल के कम्प्लीट होता है, उनका सेशन जो है 4 बजे तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर 4 बजे हम दोबारा जाएंगे उसके अंदर, और दोबारा से हम जाके उनसे फिर बात करेंगे और जो मीटिंग होती है फिर आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमें बुलाया गया है दोबारा से और हम जा रहे हैं अभी ऐसा उनके लिए, टाइगर फोर्स के लिए जो है ना, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये देखें, सारी आवाम जो है अभी इकट्ठी हुई पड़ी है और हम अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन होता है, उसके बाद हम फिर मिलते हैं आपसे। जनाब, ये सारे टाइगर्स इकट्ठे हो गए हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह अभी मीटिंग में जाते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब जो है हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे, आप देख सकते हैं ये पीछे सारे माशाल्लाह टाइगर्स बैठे हुए हैं और हसन भाई भी बैठे हुए हैं आप लोगों के सामने, और अभी वेट कर रहे हैं एसी साहब का। जैसे ही वो आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तो फिर उसके बाद देखते हैं वो क्या गाइड करते हैं हमें और किस बारे में जो भी डिटेल्स होंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा को उसको रिकॉर्ड कर लूँगा अगर परमिशन मिल गई तो। अगर उसकी परमिशन ना हुई तो उसके मैं आप लोगों को फिर बाद में गाइड कर दूंगा कि क्या करना है इसके लिए। उधर जाए भाई बैठे, तशरीफ तो रखो। चार मोटी मोटी बातें पहले आपको, पहले तहसीलदार साहब ने बता भी दिए, बाकी दो चार चीजें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। अगर आप सेटल डाउन हो जाए तो 2 मिनट की बात है, फिर आपको जाने देंगे इंशाल्लाह। आ इधर छोड़ो, बन जाएगी। इसमें सबसे मेन बात जो है हमारी चैनल फर्स्ट प्राइम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कोरोना के हवाले से। जैसे आप सबको पता भी है, आप लोग वेल अवेयर भी है सोशल मीडिया के साथ भी, प्रिंट मीडिया के साथ भी, आपको पता है डेली बेसिस पे इससे टफ टाइम तो आना नहीं है। सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज जो हमें दरपेश है वो इस वक्त कोरोना का है। तो सबसे पहले हमने इसको आयरन हैंड के साथ इसको हमने हैंडल करना है, इसका निपटना है, और इसमें आप लोगों की हेल्प हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है हमारा इसमें पब्लिक अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के बारे में जैसे आपको पता ही है। उसमें हम इसमें हमने एक मैकेनिज्म बनाना है आप सब लोगों का। उसमें हम आपकी टीमें बनाएंगे, टीमों में टीम लीडर्स चुनेंगे आपकी, आपकी जैसी जैसी क्वालिफिकेशन होगी, जैसे जैसे आपका वो आपका एक एक्सपीरियंस होगा उसके मुताबिक हम आपको आप यूटिलाइज करेंगे। जहाँ जहाँ आप इंटरेस्टेड भी होंगे वो भी आपकी इंटरेस्ट भी देखा जाएगा, जहाँ आप ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा उसका आपको इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन होगी उसके मुताबिक देख के हम आपको काम असाइन करेंगे और आपसे तवक्कुफ़ करेंगे जिस तरह का, जिस एरिया में आपको असाइन काम करेंगे वो आप उसमें पूरा भी उतरेंगे और उसको मुकम्मल करेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें सबसे पहला काम हमारा जो है सोशल अवेयरनेस का है। आप यंग लोग हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहते हैं कि सोसाइटी हमारी, जैसे पता है बैकवर्ड एरिया ये हमारा बैकवर्ड कंपैरेटिवली बाकी शहरों से, तो हम चाहेंगे कि इसमें आप सोशल अवेयरनेस का काम करें। सबसे पहले सोशल अवेयरनेस में यही है कि उसमें हम एक टीम बना देंगे आपकी, जिसमें उसे एक नंबर ऑफ उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उसमें टीम लीडर भी होगा, वो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे हम उनको पोस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, वो उसमें वहाँ पे लोगों को सोशल अवेयरनेस देंगे। बाकी इसमें बाकी हम पब्लिसिटी भी करेंगे वहाँ, वो भी आपके साथ होगी इंशाल्लाह, सोशल मीडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो होगी जो सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस आएगी तो आप बता सकेंगे ना कि ये असल में इशू है क्या, असल में कोरोना है क्या, कोरोना को हम कितने से लड़ना हमने कैसे है, इसकी SOPs क्या है। देखिए अगर सारी चीज़ें बंद कर देंगे तो जिंदगी मामूल जिंदगी ख़त्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे, जिंदगी हम चला नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने जीना भी है, रहना भी है, खाना पीना भी है और मामूली काम करने भी है। अगर हम SOPs को फॉलो कर लेंगे, लोगों को अवेयरनेस दे देंगे तो वो इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब भी हो जाएंगे काफ़ी हद तक। गवर्नमेंट ने जैसे कि आपके सामने लॉकडाउन को थोड़ा ईज़ किया है, उसका मकसद सिर्फ यही है
कि हम थोड़ा सा जो हमारे लोग बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जो मजदूर हैं, डेली वेजर्स हैं, वो डेली बेसिस पे काम कर सकें। लेकिन हमने दो तीन दिन से देखा है कि उसकी वायलेशन हो रही है, और इस वक्त इस बड़े ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे हम लोग आप लोगों को बुलाया है कि आप लोग हम आए हैं हमारे से हेल्प करें। हमारे पास एचआर का इशू भी है और आपके एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आप गेन करेंगे इसमें, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, बेसिकली आपके अपने लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए। इसमें इंशाल्लाह हम सबसे पहला काम सोशल अवेयरनेस का करेंगे। उसके साथ साथ हमने 7 से 8 एरियाज़ आपके लिए हमने एक तजवीज़ किए हैं। उस 7-8 एरियाज़ में, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक और आपके एजुकेशन के मुताबिक, वो उसके मुताबिक इंशाल्लाह, और आपकी एज के मुताबिक देखेंगे जो एक्सपीरियंस लोग इसमें शामिल हैं तो उनको भी उनके मुताबिक इंशाल्लाह हम उसमें असाइन करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और आप इंशाल्लाह इफेक्टिव उसमें साबित भी होंगे। और इंशाल्लाह हम इस मुश्किल टाइम में, जो सबसे मुश्किल टाइम साथ हिस्ट्री में हमारी पाकिस्तान की, तो इसमें हम इंशाल्लाह इकट्ठे मिल के काम करेंगे, तो इकट्ठे मिल के इसमें से निकलेंगे। और हम आपसे तो भी यही करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारे साथ मिल के काम करें, हमारे साथ हमारा साथ भी दें, और इंशाल्लाह हम अपने तहसील इस लेवल पर, जिससे हमें बात कर रहा हूँ मैं, लखपुर तहसील के लेवल पे हम इसको कंट्रोल भी करेंगे, SOPs को फॉलो भी करवाएंगे, और इसमें इंशाल्लाह हम कामयाबी होंगे। 7-8 एरिया जो मैंने बताने हैं वो इसमें ये है कि हमने अभी जो रिसेंटली पुलिस के साथ भी आप काम करेंगे, पुलिस के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, जहाँ जहाँ आपको ये काम असाइन करेंगे उसके साथ आपने मिलकर काम करना है। बेसिकली अभी जो मेन प्रॉब्लम, अभी जो इमीडिएट इशू आ रहा है, वो हमारा लॉकडाउन की वायलेशन का इशू है। सबसे पहले हमने उस पर काबू पाना है, अवेयरनेस के बाद, अवेयरनेस के साथ पैरेलल आपने ये भी काम करना है कि जो हमारे जो लोग वायलेशन करते हैं, SOPs फॉलो नहीं करते, हमें उनको बंद करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, बेसिकली उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। वो शायद उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन हमने उसको इंप्लीमेंट करवाना है, उसको इम्पोज करवाना है। तो पुलिस हमारी काम कर रही है, हमारी मार्केट कमेटी की इन्फोर्समेंट टीमें काम कर रही हैं, हम भी उसके साथ काम कर रहे हैं, रेवेन्यू के लोग भी काम कर रहे हैं उसके साथ। आपकी हम तो करेंगे कि आप भी उसमें सारे आएँ और उसके साथ मिल के हमारे साथ काम करें, और इंशाल्लाह इस पर हम SOPs अगर फॉलो करेंगे तो हमारा जो डेली रूटीन का काम है सारा, वो भी उसमें हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और साथ साथ वो उस पर कंट्रोल भी कर पाएंगे, और कोरोना फैलने में भी हमारी काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी हमें मिल जाएगी। तो पुलिस के साथ मिलकर आप लोगों ने काम करना है सबसे पहले। उसके साथ हमने जो हमारे कंप्लाइंस कमेटीज़ बनाई गई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा, वैसे भी एक हमारी एक नेकी भी है, दीनी फरीजा भी है, मसाजिद की खिदमत करना वैसे भी, तो हमने ऑलरेडी कंप्लाइंस कमेटीज़ बनाई हुई हैं हर सतह पे, रूरल एरियाज़ पे भी, यहाँ पे तहसील लेवल पे भी, सिटी लेवल पे भी। इसके साथ मेरे कमेटीज का मिल के आपने उनको SOPs बताने हैं, जहाँ जहाँ आप नमाजों की खिदमत कर सकें वो खिदमत भी उनकी, जैसे कि उनको बता सकें कि इतना डिस्टेंस रखें आप, 6x6 का डिस्टेंस रखेंगे आप उसमें, उनको जो मैक्सिमम आप सपोर्ट कर सकें वो करेंगे, उनको बताएंगे कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, हाथ धोएं बार बार, जो SOPs आप डेली बेसिस पे आप देख भी रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया, सबको पता है आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पे आप कमेटीज़, वहाँ पे भी आपको कमेटीज़ का हिस्सा बनाया जाएगा आपको। इसके साथ साथ हमने आपको ऑफिस में भी इस्तेमाल कर, जो लोग आईटी नोइंग हैं उसको हम ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे कि आपके एक लीडर्स होंगे, हर टीम का एक लीडर होगा, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर हम बना देंगे जो तमाम लीडर से एक वो कलेक्शन करेगा आपकी रिपोर्ट, तो वो शामिल करके वो अपने एक आईटी लेवल पे जो हेड ऑफिस में बैठेंगे, एसी ऑफिस में बैठेंगे लोग, उनको वो रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट हम कलेक्ट करके आपकी डेली बेसिस पे, उसमें पिक्टोरियल भी आपकी एविडेंस भी होंगी, आपकी डेली बेसिस पे काम करेंगे, आपकी हम ऊपर टॉप लेवल तक लेके जाएंगे कि हमारे जो कोरोना के टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उसकी इंशाल्लाह आपको अप्रिसिएशन भी होगी, उसका आपकी एक्नॉलेज भी इंशाल्लाह होगी। इसके साथ दूसरा काम ये है कि हमने आपको जो हमारा इशू इमीडिएट चल रहा है दूसरा बड़ा, वो है आपको पता है प्राइस कंट्रोल। पूरे तमाम हमारी पब्लिक सफ़र कर रही है, ओवर प्राइसिंग, ओवर चार्जिंग होती है, वो सबसे बड़ा इशू है। उसके साथ लिंकिंग जो 2-3 पॉइंट्स हैं, वो हमारा होल्डिंग का इशू है, जो लकीरा अंदोजी करते हैं उसमें भी, और तीसरा हमारा मिलावट का, हमारे यानी तहसील लेवल पर जहाँ मिलावट का बहुत बड़ा इशू है, जो मैंने जब से आया हूँ मैंने देखा है, तो इसमें भी आप आइडेंटिफाई करने में हमारा हेल्प करेंगे। इसमें आप लोग अपने एक लेवल पर जहाँ जहाँ के आप लोग हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरह पहले पता होता है, मोहल्ला लेवल पर, गली लेवल पर, जिस लेवल पर आप काम कर सकें, कोरोना के साथ साथ पब्लिक रिलीफ में जितनी भी अकॉर्ड काम है आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। एक आप समझ लें कमी फ्रीजा है आपके लिए, ये लोगों की पब्लिक सर्विस है, आप इसमें हमारे साथ शामिल होंगे कि आप हम अडल्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकें। अगर आप उसमें हमें बताएं कि यहाँ अडल्ट्रेशन हो रही है, हम उस पर कार्रवाई करें, आप हमें बताएं कि यहाँ पर लोग जखीरांदोजी कर रहे हैं और यहाँ पर लोग महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, तो ये इसमें भी हम एक टीम बनाएंगे आपकी, जो आप उसमें शामिल होकर सारे उसमें हम इंशाल्लाह उसमें भी काम करेंगे और उस पर हम उसमें कार्रवाई करेंगे जो हमें रिपोर्ट देंगे, तो एक बड़ा रोल प्ले आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप, मैंने आपको बताया सोशल अवेयरनेस का बता दिया, पुलिस के साथ मिलकर आपको बता दिया, लॉकडाउन में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी मंडियाँ लगती हैं, आपको पता है यार सुबह हमारी गला मंडी भी है, हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी है, इसी तरह से हमारी मशी मंडी है, वहाँ पे हज़ारों लाखों तो नहीं, शायद हज़ारों जरूर इकट्ठे होते हैं लोग,
जिसकी वजह से हमारे खदशा होता है कि वहाँ कोरोना वायरस फैल सकता है, बल्कि ज़्यादा उसका कम ही इम्कान होता है। उसमें अगर हम आपकी वहाँ पर भी टीमें आपकी डिप्लॉय करेंगे, पहले पुलिस के लोग भी होते हैं, कमेटी के लोग भी होते हैं, तो अगर वहाँ पर आप लोग वहाँ उनके मिल जाएँ तो देखिए कितना उसमें कितना डिफरेंस क्रिएट होगा। उस डिफरेंस की वजह से हम उनके SOP सिर्फ मकसद हमारा उनको भगाना या वहाँ काम रोकना नहीं होगा, हमने उनको ये समझाना है, बताना है, उनकी बेसिकली ब्रीफिंग उनको देनी है, उनको इंडोक्ट्रिनेट करना है कि आप लोगों ने ये SOPs फॉलो करने हैं जो हमें गवर्नमेंट ने देख के बताए गए हैं, और जो आपका मेन पर्पज़ है उसके लिए आपने उसमें उनको रोल प्ले करके वहाँ पर SOPs फॉलो करवानी है, और जो आपके बाद नहीं मानता आपने मुझे बताना है, DSP साहब मेरे साथ खड़े हैं इनको बताना है, बाकी हमारे महकमा जो जितने भी हैं हेल्थ वाले हैं बाकी सारे उनको आप बताएंगे, ताकि उसके साथ जो मजामत करता है आपके सामने तो उसको हम कंट्रोल करेंगे, जो आपकी बात नहीं सुनता, जो आपकी बात नहीं मानता, आप लोगों ने अपने आप के तौर पे कोई उस पर कार्रवाई नहीं करनी, आपने उसके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये बात आप गौर से समझ लें, आपने हमें बताना है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं पुलिस के लोग हैं उसके बाद मुझे भी बता सकते हैं, उस पर हम काबू पाएंगे, उनको हम रोकेंगे अपने तरीके से, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ FIR करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। देखिए आप और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपके एक आइडेंटिटी कार्ड भी बनाएंगे जिसमें हमने एक स्पेसिमेन बना लिया है, तो उसके बाद सब तमाम कोरोना टाइगर्स को हम आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे, वो आप लोगों ने अपने उसमें इस्तेमाल करने हैं, अपने डिस्प्ले करने हैं अपने अपने यहाँ पे कॉलर पे, ताकि वो आपकी आइडेंटिटी होगी कि आप कोरोना टाइगर हैं, आप एक ऑफिशियल काम के लिए कर रहे हैं, एक कौमी फ्रीजर के तौर पर काम कर रहे हैं, और आप ये प्राइवेट, ताकि उससे डिफरेंस भी होगा, एक प्रोफेशनल आपकी उसमें आपकी आइडेंटिटी भी होगी। तो इसके साथ साथ आपको हमने और चीज़ों में भी, जैसे बाजार में है हमारी बाजार में भी आप डिफरेंस स्टेशन पर, जैसे कि हमारी चेक पोस्टें होती हैं वहाँ पर पुलिस को भी हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे SHO साहबाना को कहते हैं तो आप उनके साथ कॉपरेट भी करें, उनको आप बता भी सकते हैं, अपने तौर पर भी इनपुट भी दे सकते हैं, और वो आपको इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे इस तरीके से काम करना है। इस तरह से हमारे रेवेन्यू के तहसीलदारान साहबान हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे, उसके साथ भी आप हेल्प आउट करेंगे। तो इसी तरह से हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट जो काम चल रहे हैं आजकल, आपको पता है हमारा कफालत प्रोग्राम चल रहा है, जो मेरे जहन से निकल गया था, कफालत प्रोग्राम हमारे 5 सेंटर यहाँ बने हुए हैं, उन 5 सेंटर्स पर हमारी टीमें काम कर रही हैं ऑलरेडी, जिसमें सबसे गरीब गुरबा लोगों को हमने खवातीन और मर्दों सबको मिल के वहाँ पे जो पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, आपको पता ही है 2 फेज़ ऑलरेडी तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, 3रा फेज़ शुरू हो गया है, तो हम चाहेंगे कि इसमें आप लोगों की भी टीमें यहाँ हम डिप्लॉय करेंगे, ताकि वहाँ पे भी जो हमारा कोरोना के इश्यूज आ सकते हैं, जहाँ पे लोग वहाँ पे मिसमैनेज होते हैं, तो उसमें भी SOPs उनको आप इंडोक्ट्रिनेट करें, उनको ब्रीफ करें, उनको बताएँ कि आपने इस तरह करना है, इस तरह से एहतियात करनी है, इस तरह हाथ धोना है, ऐसे अंगूठा लगाना है, उस किस तरह आपने डिसेंसिटाइज करना है, सैनिटाइजर इस तरह इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें आपने वो बता के उनको वहाँ पर भी आपका यही रोल प्ले होगा। तो इस तरह सारी चीज़ें और भी कई एरियाज़ हैं, जैसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ भी आपको डिप्लॉय किया जा सकता है, तो काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपके लिए एक बड़ा मैसिव एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, आइंदा लाइफ के लिए भी, जो स्टूडेंट्स स्पेशली जिनने आगे फ्यूचर में डिफरेंट जगह पर जाना भी है, शायद वो कुछ अफसरान होंगे, कोई डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये सारा एक डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस होना है, वो इस एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ गेन करेंगे। तो आप लोगों से तवक्कुल यही है कि एक अच्छे अगर अच्छी इंटेंशन के साथ आप पैशन के साथ आप काम करेंगे, आप यंग लोग हैं हमारे से मिल के, तो इंशाल्लाह हम इसको कामयाब भी करेंगे, अपनी तहसील को कोरोना से बचाएंगे भी, और इस पर काबू भी पाएंगे, और लोगों को अवेयरनेस भी दे सकेंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पहले ही बड़ा वेट किया। सर कैंडली ये बताएं कि इसकी यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी? अभी यूनिफॉर्म स्टेज पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे ऑलरेडी जो है ना जो बजट के इश्यूज हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको आइडेंटी कार्ड जरूर दिए जाएंगे, तो एक आपकी आइडेंटी जरूर होगी, आप अपने ना सादा कपड़ों में भी काम कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कोई हर्डल नहीं है, जब आपके पास कार्ड होगा आपकी आइडेंटी होगी। सर कार्डली ये बताइएगा कि टीम मैनेजमेंट कब तक हो जाएगी? टीम मैनेजमेंट आज आप जैसे आप आ जाए, कुछ लोगों को हमने कल बुलाया हुआ है, 2-3 दिन तक इंशाल्लाह टीम आपकी बन जाएगी, सारी टीमें आपको कन्वे हो जाएगा भाई आप किस टीम का हिस्सा होंगे, कौन सा आपका टीम लीडर होगा, हम आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके मुताबिक हम उसको डिसीजन करके आपको कन्वे कर देंगे। सर अपने शहर में होगी या किसी और शहर में भी कर सकते? नहीं, हमारी कोशिश यही होगी कि जहाँ जिस एरिया के आप रेजिडेंट हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, आपको उसी एरिया में ही काम असाइन किया जाए। अगर आप लियाकतपुर सिटी के रहने वाले हैं तो आपको वहीं पर काम असाइन किया जाए, अगर आप तिरंडा मुहम्मद पन्ना के रहने वाले हैं तो वहाँ असाइन किया जाए, अल्लाहाबाद के रहने वाले हैं तो वहाँ असाइन किया जाए, अगर आप खान बेला के रहने वाले तो वहाँ साइन के, जिस एरिया में होंगे हमारी प्रेफरेंस यही होगी कि वहाँ किया जाए, अगर लेकिन अगर लोग कम हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे एरिया में लगा सकते हैं। ठीक, रब्ता कैसे किया जाएगा? आप बस आप देखिए, आप इन हो गए हैं, इंशाल्लाह आप वर्कआउट करना है, पेपर वर्क होना है,
वो उसके पर वर्कआउट होता जाएगा तो आपको सब इंशाल्लाह आपको इनवाइट कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाने हमने बैठ के कल तक बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह आपको कन्वे कर। रिपोर्ट करने का तरीका क्या होगा? रिपोर्ट आप ऑफिस में आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे आपने रिपोर्ट करनी है, वहाँ से आपको आपका काम साइन करके भेज दिया। सही है, जो हमारी अटेंडेंस हुई है इसी बेस पे कार्ड बनाए जाएंगे। नहीं वो आपको सारा वो हम प्लान बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने देखा अभी इसी हिसाब से हमारी मीटिंग थी और उसके अंदर उन्होंने तमाम क्वेश्चन जो आप लोगों के जहन में थे और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है उसके अंदर। और सारा ब्लॉग आपने कंप्लीट जो है देख लिया होगा, शुरू से एंड तक मैंने आपको प्रोसेस बताया कैसे घर से गया हूँ मैं, सारा कुछ आपके सामने था, कोई चीज़ इसके अंदर मैंने छुपाई नहीं है। हाँ थोड़ा ये हुआ है कि हमसे वेट करना पड़ा, हमें यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे वेट करना पड़ा। उसकी रीज़न ये थी कि हमारी अपनी ही गलतियाँ थी, हम खुद जो है ये टाइगर फोर्स वाले जो हम लोग वहाँ पे जाते हैं जाके जूम डाल देते हैं, इस तरह से ना किया करो यार। जब आप लोग उनसे मैनेज नहीं होगे तो आप लोग कैसे लोगों को मैनेज करोगे? जब आप खुद को मैनेज नहीं कर पाओगे तो लोगों को कैसे मैनेज करोगे आप? तो ये चीज़ें आपने इस चीज़ को जो है ना जहन में रखते हुए इस चीज़ का ख्याल करना है खास, और पुलिस से कोऑपरेट करना है। और उसके अलावा आप लोगों को उन्होंने बताया होगा कि आप लोगों की मीटिंग होगी, मतलब मीटिंग दूसरी जब होगी उसके अंदर आप लोगों के लीडर चुने जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोज़ में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वो जाके देख लें। और लास्ट में वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके देख सकते हैं आप। तो उसके अंदर आपको करना ये होगा कि आपने मार्केट्स में जाना है, और उसके अलावा जहाँ पे आपकी ड्यूटीज लगाई जाएंगी जैसे मस्जिद हो गया, मार्केट हो गई, उसके अलावा आप लोगों को भेजा जा सकता है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। तो आप उसके अंदर जाएंगे और वहाँ पे पुलिस के साथ आपने कोऑपरेट करना है, और उसके साथ ही आप लोगों ने सारा काम करना है, जो जो आपको ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी आपने उसी को फॉलो करना है, और SOPs जो बनाई गई हैं लॉकडाउन को खोलने की उसको सारी फॉलो करवानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग और ये वीडियो आपने इन्जॉय भी की होगी और देखा होगा क्या क्या स्टेप्स हैं इसके अंदर, और आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और ये अभी आप देख रहे थे हसन जतोई, और इनका चैनल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको मेरे साइड पे जो है एक मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा या फिर इसका नाम होगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देखें आपको लिंक मिल जाएगा। इसको इस बंदे को लाजमी सपोर्ट करना है आपने, क्योंकि ये भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, और ये अभी चैनल नया नया इसने स्टार्ट किया है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप जाके उनकी वीडियोस देख सकते हैं और इनको सपोर्ट करें, जाओ और अभी अभी जाके उसको सब्सक्राइब करो। मैं वेट कर रहा हूँ जब तक आप जाओ उसको सब्सक्राइब करते हो, मुझे सब्सक्राइब ना करो बेशक, लेकिन इसको इस बंदे को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, तो मैं वेट करता हूँ। उम्मीद है कि आप जाके उसको सब्सक्राइब करके आ चुके होंगे, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी है। अगर आपने नहीं मानी अभी तक तो जाओ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें, ताकि अगली जो मीटिंग होगी हमारी उसके बारे में मैं भी आपको बता सकूंगा कि उसके अंदर क्या होता है, उसमें हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और किस तरह से मतलब काम दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो वो सारी वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।